सब्सक्राइब कीजिए बीएमसी न्यूज चैनल को और साथ में घंटी को भी दबाइए ताकि बोरुंदा व आसपास के गांवों की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। विभिन्न गांवों में, विभिन्न ढाणियों में, पूरे जिले में उस अंतिम गांव तक जाने की कोशिश करते हैं जहां आज तक सरकार नाम की चीज मोदी जी से पहले वहां कोई पहुंचा नहीं है। तो हमारे माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव गरीब की जो आम महिलाएं थी जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, ईंधन की उनके सुविधा नहीं थी, तो उनके घर में उज्ज्वला योजना जो पहुंचाई है, ये जनता मोदी जी को इसके लिए जो गांव की हमारी महिलाएं वो उनको याद करती है। और गांव की ढाणियों में ऐसे घर है जहां लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी आजादी में 70 साल होने के बाद भी, तो माननीय मोदी जी ने ऐसी जिस गांव में लाइन नहीं है, खंभा नहीं है, पोल नहीं है, वहां सौर ऊर्जा की लाइट लगा करके माननीय मोदी जी ने जो अंधेरा था उसमें उज्ज्वला मोदी की लाए हैं। ये दो योजना मुख्य रूप से गांव में सभी लागू है और मैं आशा करता हूं कि इन योजनाओं का मोदी जी की जो सरकारी योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इन सबको काम में लेते हुए अपने घर में अंधेरा छटेगा, सभी अंधेरा हटाएंगे, उज्ज्वला लाएंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। सर आपसे एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने महासचिव के पद पर प्रियंका वाड्रा को निर्वाचित किया है, तो सर क्या इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई अलग अलग पार्टियों में अलग अलग कार्यकर्ता काम करते हैं, पदाधिकारी काम करते हैं, तो उनका सिस्टम है। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा और ये राष्ट्रीय लेवल का मामला है, वो भी कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। सर विपक्ष पार्टी राफाल के मामले को लेकर अभी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काफी सुर्खियों में, बार बात है ये, मैं इस बार इसके लिए हमारे प्रवक्ता नहीं होता, वही भाजपा परिवार के नाम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मंडल के अध्यक्ष तक अध्यक्षों को ऐसा दिशा निर्देश है कि वो स्वयं अपने घरों में और अपने घरों के आसपास सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में और अन्य आम नागरिकों के घरों में भी जाकर के झंडा लगाना है, स्टिकर लगाना है और सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करें, ऐसा हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ सभी बोरुंदा मंडल के जो कार्यकर्ता है वो सभी मौजूद हैं और हमारे मंडल के महामंत्री आदरणीय दुर्गाराम जी हैं, इन्होंने भी अपने घर में लगाया, मैं इनके साथ हूँ और ये दूसरों घरों में भी जाकर के आज शाम को कल और विभिन्न घरों में जाकर के जिसका नहीं लगाया उनके घरों में भी झंडा लगाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, ऐसा आज का।